नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल जीएसबी बिना एजुकेशन फॉर यू पे। आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एमपी पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो कि रोजगार और निर्माण से लिए गए हैं, तो इनको क्रमशः देखते हैं। और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है कि तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर दिया हुआ है जैसे कि मणिपुर। यह परियोजना मणिपुर में बराक बा तुईबाई नदी के संगम पर चुराचंद्रपुर जिले में स्थित है। तो तिपाई मुख जल परियोजना, इसको याद रखिए, ये मणिपुर में स्थित है। अब दूसरा है क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की भौगोलिक सीमाएं कितने राज्य को स्पर्श करती हैं, तो दोस्तों इसकी सीमाएं हैं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो 2 जून 1914 को हुआ था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो कि बेरन द्वीप पे है, जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो कि बेरन द्वीप पे है, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य अंडमान में है। ये अंडमान निकोबार में तो है, ये सबको पता है, दिस इज़ ए अंडमान निकोबार का जो मैप है। बट यहाँ पे जो ये जो मध्य अंडमान है, जो उसके ये सीमा में ये आता है, ये जो बेरन द्वीप है ये मध्य अंडमान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल किसे कहा जाता है, तो ये टैथिस सागर को कहा जाता है। ये बहुत ही पुराना एक सागर हुआ करता था जिससे ये हिमालय का जन्म माना जाता है, तो इसको टैथिस सागर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र की धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के मिलन के स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जो है विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है ये विष्णु प्रयाग है, यहाँ से ये जो धौली गंगा रिवर आ रही है और यहाँ से जो है अलकनंदा रिवर आ रही है, और ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं इस स्थान को विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और ये जो सब स्थितियाँ हैं ये कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में है। सो आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक कौन है, तो सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक जो हैं अमृत लाल जी बेगड़ हैं, इसको आप याद रखिए, अमृत लाल जी बेगड़। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टियों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो ये जो विभाजन था ICAR का मिट्टियों को लेके, ये सॉइल क्लासिफिकेशन उनका है, उसमें 8 टाइप की मिट्टियाँ उन्होंने बताई हैं, तो 8 टाइप की मिट्टियाँ बताई हैं। अब ICAR से आपको पता होना चाहिए कि जो ICAR है उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसके हर जगह कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होते हैं। तो जैसे हमारे MP में भोपाल में ICAR का एक रीजनल सेंटर है जो कि IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह NDRI करनाल, एक मैसूर में फूड का इंस्टीट्यूट, जगह जगह पे इनके ICAR के इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अलावा ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय, साल्टी जो कि लवणीय बोलते हैं, और पीट सॉइल है। सो 8 वर्ग जो हैं वो हैं जलोढ़, काली, लाल पीली, पर्वतीय, लैटराइट, मरुस्थलीय, लवणीय एवं पीट सॉइल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण FCI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस वर्ष से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, तो फर्स्ट उसकी जो रिपोर्ट थी वो 1987 में आई थी, और इसका जो मुख्यालय है FRI का ये है देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी जो स्थापना थी वो 1981 में की गई थी। सो ये सब आपको याद रखना है। 1986 में दोस्तों जो आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था EPA 1986 में,
तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद वनों पर रिपोर्ट मांगी गई होगी, सो 1987 में ये आई थी। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शोलाश है उसको क्या है वो, तो जो शोलाश हैं ये जो वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है कि जहाँ पर शीत और उष्ण का मिक्स वातावरण होता है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय वन बोले जाते हैं। और ये जो वन है वो हमारे साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु और केरला के पास जो नीलगिरी अन्नामलाई पालनी पहाड़ियाँ हैं और जो वेस्टर्न घाट जिसको हम बोलते हैं उसके नज़दीक वाला एरिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों वेस्टर्न घाट से एक चीज़ है याद है कि हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उसमें एक तो है वेस्टर्न घाट, उसके बाद हिमालयन एरिया है, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये चार जो इंडिया में हॉटस्पॉट हैं। और जो इंडिया के सोलोली हैं वो दो हैं, बाकी चार में ये दूसरे जो देशों हैं उनके साथ संयुक्त रूप से हैं। सो ये सब भी आप याद रखिए। इसके अलावा है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा निम्नलिखित किसी एक से होकर गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये राजस्थान से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य को सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती, तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर को ये सीमा जो है वो स्पर्श नहीं करती बांग्लादेश की। आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर की स्थिति, ये बांग्लादेश से ये मेघालय त्रिपुरा वेस्ट बंगाल को ये और असम को ये कहीं ना कहीं ये टच कर रही है जबकि मणिपुर को ये टच नहीं कर रही है। सो ये मणिपुर इसका आंसर होगा। हिमालय की श्रेणी में नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो नवीनतम श्रेणी है शिवालिक, और शिवालिक का जो निर्माण है प्लायोसीन युग से माना जाता है। जो हम डिकेड और युग पढ़ते हैं तो इसमें प्लायोसीन युग से इसका निर्माण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्काईचिन का भाग है, तो अस्काईचिन का भाग जो है लद्दाख का पठार अस्काईचिन का भाग है। अगला क्वेश्चन है मेघालय का पठार किस भू क्षेत्र का भाग है, तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस द्वीप पर सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, तो दोस्तों ये सलसेट द्वीप जो कि एक मुंबई का पार्ट है, हमारे मुंबई नगर का पार्ट है सलसेट द्वीप, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबियस सी बात है मुंबई में होगी, सो इसका आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय आबादी नहीं पाई जाती, तो हरियाणा राज्य जो है उसमें जनजातीय आबादी बिल्कुल ना के बराबर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भिन्न है, सिंधु ताप्ती महानदी और नर्मदा, तो इसमें जो है सिंधु ताप्ती और नर्मदा ये जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए ये भिन्न है। इसके बाद में से निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नहीं है, तो भूमिबंधित नदी इसमें लूनी नदी है क्योंकि ये जो है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, भूमिबंधित नदी है, भूमिबंधित नदी जो स्थल पे ही रहती है विलुप्त हो जाती है, तो ये कच्छ के रण पे विलुप्त हो जाती है जबकि अन्य नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं। तो दोस्तों ये तीन क्वेश्चन और देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो लैगून जो है पेरियार झील नहीं है, बाकी झीलें जो हैं वो लैगून है। बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किन स्थानों पर विस्तृत है, तो जो ये विस्तृत है यह दूसरा जो है प्यूर्टो रिको और दक्षिणी फ्लोरिडा में ये विस्तृत है, इसका हवाई द्वीप समूह से कोई लेना देना नहीं है। सो इसका आंसर है दो और तीन। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन मैंने रोजगार निर्माण में जो क्विज आते हैं वहाँ से लिए गए थे,
और इसके अलावा मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो ये सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।